Hello students, welcome again on my YouTube channel Aradhya's Tutorial Hub. Students, in this video you are going to watch complete solution of exercise 3.5. Here we will discuss over only 1 to 5 questions. This is a part 1 and the remaining question will be discussed on next video. So let's begin. First question hai, which of the following statements are true? फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या यह भी जरूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा? तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अगर हमने लिया 6 और हम जानते हैं कि 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 6 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, है ना। आप ऐसे किसी भी छोटे से एग्जांपल को लेकर स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. अब ये जो first statement था उसका just opposite है। यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि कोई number 9 से divisible है तो ये 3 से भी divisible होगा। तो ये statement यहाँ पर true होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 जो है, 9 का एक factor क्या है, 3 भी है। 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 9। तो जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा इसलिए यहां पर ट्रू होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सी है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। एक नंबर 18 से डिविजिबल होता है यदि ये 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या बच्चों ऐसा जरूरी है कि जो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल हो वो 18 से भी डिविजिबल हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने 6 को लिया और हमें पता है कि 6 3 से भी डिविजिबल है और ये 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या 6 18 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, है ना। एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। सपोज कीजिए आपने 12 लिया, 12 3 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा, लेकिन क्या ये 18 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। यहां देख सकते हैं कि हमने जो एग्जांपल लिए उससे क्लियर होता है कि 3 और 6 से डिविजिबल होने वाले सभी नंबर 18 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसको हम इन शॉर्ट ऐसा समझ सकते हैं कि हमें देखने में लगता है कि 18 जो है वो 3 × 6 है ना, 6 × 3 = 18 होता है। हमें लगता है कि जो नंबर 3 से हो रहा है डिविजिबल 6 से हो रहा है और ये 18 के तो फैक्टर ही है, तो 18 से वो नंबर डिविजिबल क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि 18 के जो फैक्टर्स हैं 3 एंड 6 ये को प्राइम नहीं है। क्या नहीं है? ये को प्राइम नहीं है। अगर ये फैक्टर को प्राइम होते तो डेफिनेटली इनसे दोनों से जो डिविजन होने वाले नंबर हैं वो 18 से भी डिविजिबल होते। को प्राइम नंबर क्या, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ऐसे दो फैक्टर किसी नंबर के, ऐसे दो फैक्टर ठीक है जिनका, दो नंबर ऐसे जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, है ना। यहाँ पर हम देखें कि 3 और जो 6 है ठीक है, 3 में तो हम देखें कि 1 एंड 3 के फैक्टर हैं और 6 क्या है, 1, 2, 3 एंड 6 ये इसके फैक्टर हैं। तो यहाँ पर 1 भी कॉमन है इसमें और 3 भी कॉमन है, तो 3 और 6 क्या है इसके, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये को प्राइम फैक्टर होते 18 के तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, है ना। लेकिन यहां पर ये को प्राइम नहीं है इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों,
स्टेटमेंट डी है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अब देखिए जो क्वेश्चन डी है, ये क्वेश्चन डी सी की तरह ही है। यहाँ भी जो बताया गया है कि एक नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर 90 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट कहता है। लास्ट स्टेटमेंट में क्या था, कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि स्टेटमेंट फॉल्स था, तो क्या डी वाला भी फॉल्स होगा? नो, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ओके, लेकिन यहाँ पर ट्रू क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखें 90 के ये जो नंबर है 9 और 10, दो नंबर हमें यहाँ पर दिए गए ना 9 और 10, जिनसे दोनों से ही वो नंबर डिविजिबल है, तो 9 और 10 दोनों ही क्या है, ये इस 90 के लिए को प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। ये क्या है, ये को प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 और 10 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना। तो 9 और 10 यहाँ पर क्या है, ये को प्राइम नंबर्स है 90 के लिए, क्या है ये को प्राइम फैक्टर्स है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है 90 है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो नंबर 9 और 10 से डिविजिबल होगा वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो यहां पर 9 और 10 दोनों से ही है बच्चों, ध्यान रखना है ना, दोनों से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सोचें कि 18 है, 18 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 90 से, ऐसा नहीं है, वो नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा, वो 90 ही होगा, है ना। 9 और 10 से डिविजिबल होने वाला जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या है, वो 90 ही है, है ना। ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, और ये नंबर 90 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट डी है ये क्या है, ट्रू हो गया है, है ना। स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है। आंसर्स तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, नहीं वहां से आप नोट कर लेंगे, होमवर्क भी कर लेंगे, लेकिन उनको समझना, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या लॉजिक लग रहा है, उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ई को देखें आप। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स At least one of them must be prime. यदि दो नंबर को प्राइम है तो उनमें कम से कम एक नंबर प्राइम होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या लगता है आपको, ट्रू है ये? नो, को प्राइम नंबर होने के लिए, इन्हीं दो नंबर्स को को प्राइम होने के लिए उनमें से किसी एक का भी प्राइम होना जरूरी नहीं है। इसका आंसर हमें इस डी में मिल जाएगा। इस डी के स्टेटमेंट को देखें आप, ये डी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। यदि कोई नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है तो 90 से डिविजिबल है, और हमने कहा था यहां पे 9 और 10 क्या है, ये को प्राइम नंबर है, है ना। अगर 9 एंड 10 को प्राइम है तो बच्चों बताओ दोनों में से कौन सा प्राइम नंबर है, दोनों में से कुछ भी, कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। 9 भी प्राइम नहीं है और 10 भी प्राइम नहीं है, लेकिन कंबाइंडली दोनों क्या है, ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन ई है, स्टेटमेंट ई, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। प्राइम होना जरूरी नहीं है किसी एक भी नंबर का को प्राइम होने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एफ, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जो भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो 8 से भी डिविजिबल होंगे, क्या ये ट्रू होगा? नो, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने 4 और 8 की डिविजिबिलिटी को देखा था, वहां हमने देखा था कि 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर तो 4 से डिविजिबल होंगे, लेकिन 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना।
इसका एग्जांपल देख सकते हैं चाहे तो आप। सपोज कीजिए हम 8-4 की बात करें, 12-4 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? क्या नहीं होगा, है ना। यहीं पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। किसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे आप जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यानी जितने भी नंबर हैं अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि 4 क्या है, 8 का ही तो एक फैक्टर है। और मैंने आपको बताया था कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 तो 4 का फैक्टर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट जो था ये फॉल्स था एफ वाला। लेकिन जी में तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट एच को देखें आप, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। एक नंबर है जो टू नंबर्स को, कोई टू नंबर्स हैं उनको एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना, देन इट मस्ट exactly divide their sum। तो ये उनके sum को भी exactly divide करेगा। ये statement true होगा या false? सोचें आप, ये statement definitely true होगा। यदि कोई number इन्हीं दो number को separately divide करता है तो वो उनके sum को भी exactly divide करेगा। छोटा सा example ले सकते हैं आप इसका। Suppose कीजिए एक नंबर है 12 और एक और नंबर है 18। ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है ना। 12 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ये। ऐसे 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। यानी दोनों ही नंबर 12 एंड 18 3 से डिविजिबल है, और इनको अगर हम एड कर दें, इनका सम निकालें, इसका इनका सम क्या होगा 30। तो हम देखेंगे कि इनका जो सम है ये 30, ये भी क्या होगा 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ऐसा आप जब भी करेंगे किसी भी नंबर के साथ आप करके देख सकते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट। हर बार क्या होगा, कोई एक नंबर जब दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी वो क्या होगा हमेशा डिवाइड करेगा, है? तो ये स्टेटमेंट यहां पर क्या होगा, ट्रू होगा। स्टेटमेंट आई को देखते हैं हम, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स। यदि कोई नंबर किन्हीं दो नंबर के सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अब देखो यहां सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है कोई नंबर, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था हम कुछ वैसा ही लेते हैं। सपोज कीजिए हमने 30 लिया और हमें पता है कि 30 जो है ये 3 से डिविजिबल है ना। ये किन्हीं दो नंबर का सम है, कौन 30। अब वो जो टू नंबर्स हैं वो कौन से हैं वो मेंशन नहीं है, वो क्लियर नहीं है, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। बस ये बात हमें पता है कि टू नंबर्स हैं जिनका सम, सपोज कीजिए वो सम यहाँ 30 है, वो किसी नंबर से यानी यहाँ 3 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अब सपोज कीजिए कि 30 के जो टू नंबर्स हैं जिनसे बना हुआ है, सपोज कीजिए एक नंबर 10 और एक 20 है ना, दोनों का सम कितना 30 है, तो इन दोनों नंबर्स का सम तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होंगे? क्या नहीं होंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, है ना, क्योंकि जो एच वाला केस था, एच जो स्टेटमेंट था, वहां जो टू नंबर सेपरेटली डिवाइड हो रहे थे वो क्या थे, वो उसका उनके उसके मल्टीपल थे, उस नंबर के मल्टीपल थे, तभी तो उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे थे, तो उनका जो सम किया वो भी क्या था, उसका मल्टीपल था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये 30
को डिवाइड कर रहा है थ्री, ये थ्री का एक मल्टीपल है, लेकिन इसके जो मैंने दो टू सेपरेट पार्ट किए हैं, टू नंबर्स इससे बनाए हैं, ये थ्री के मल्टीपल नहीं है, ये थ्री से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे, है ना। तो आपने बच्चों देखा होगा कि यहाँ हमने जो भी स्टेटमेंट देखे हैं उसमें ज्यादातर स्टेटमेंट पेयर्स में है, एक कोई कंडीशन दी गई है उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन है, जैसे यहाँ पर एच और आई दोनों लगभग सिमिलर केस थे, पहले केस में कुछ और था, वहां नंबर सेपरेटली डिवाइड हो रहे थे तो उसके सम को एक्जेक्टली डिवाइड कर पूछा था, वो तो ट्रू था, लेकिन यहाँ पर सम को बताया कि एक्जेक्टली डिवाइड होता है, लेकिन जो सेपरेट नंबर किए हमने वो एक्जेक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। तो इन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस यही पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब यहां पर जो फैक्टर ट्री आपको दिया गया है 60 के लिए और आपको मिसिंग नंबर बताने हैं, इसमें जो फर्स्ट पार्ट ए है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो यहां पर आप देखें 60 के टू फैक्टर्स हमने किए, एक फैक्टर था 6 और दूसरा था 10, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 10 16 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, है ना, 6 into 10। तो यहाँ पर 6 और 10 टू फैक्टर्स किए, किसके, 60 के, और इसके बाद इन फैक्टर्स के भी आगे और फैक्टर किए गए हैं, यानी 6 का फैक्टर किया हमने तो उसके फैक्टर क्या आएंगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, एक फैक्टर अगर 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 3 6, है ना, इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 3 होगा। ऐसे हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 है, 10 का एक फैक्टर अगर 5 है, दूसरा फैक्टर क्या होगा, इस 10 को 5 से डिवाइड कर दें, 2 times 5 2 10, ये तो फैक्टर होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा, 10 आ रहा, यहाँ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसके आंसर को निकाल सकते हैं कि मिसिंग नंबर क्या होगा, यहाँ पर तो होगा 3 और इस जगह पर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है बी, यहाँ भी देखें आप, बहुत आसान है बच्चों इसको सॉल्व करना, 60 के फैक्टर हैं, एक फैक्टर है 30, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, 2 से, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 2 आएगा, है ना, या 60 को आप 30 से डिवाइड कर दें तो 2 आएगा, कैसे भी समझ सकते हैं आप। अब इसकी अगली स्टेप देखें आप, अब 30 के भी फैक्टर कर दिए गए हैं, 30 के फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर अगर 10 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, 3, क्योंकि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 30 जाएगा, ओके। अब 10 है, अब 10 के टू फैक्टर्स आपको लिखने हैं, क्या होंगे, कुछ भी दिया आपको, आपको पता है 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 5 10, ये क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं। अब आपको 10 के से टू फैक्टर देखने हैं जिससे जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए, 10 आ जाए, तो वो क्या होंगे, 2 and 5, यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 and 5, क्योंकि जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप जो मिसिंग नंबर थे 2 3 5 और यहाँ पर 2, इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन 3 है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये टर्म आई है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमें किसी नंबर के, और नंबर भी कौन सा है, कंपोजिट, इसे कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यानी उस नंबर के हमें वही फैक्टर लिखने हैं जो कैसे होंगे, प्राइम होंगे, ओके। सपोज की जैसे कि एक नंबर लिया हमने 8, 8 का फैक्टर हम 4 नहीं लिखेंगे यहां पर, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, है ना। अगर आप लिखते हैं 2 into 4, 8 के फैक्टर 2 into 4 लिख देंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इस 4 के भी फैक्टर हो सकते हैं ना, आगे हो सकते हैं 2 into 2, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 into 2 into 2, ये कहलाएंगे 8 के प्राइम फैक्टर्स,
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एक कंपोजिट नंबर है, उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम कौन से फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब बात ये आ रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो एक तो हम वन को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। और क्या हो सकता है? एक जो नंबर है, ठीक है, जो कंपोजिट नंबर है वो अपने आप में भी क्या है, वो भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो एक तो वन हो गया और दूसरा क्या हो गया, द नंबर इटसेल्फ, यानी जो नंबर दिया हुआ है हमें वो खुद वो उसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अभी हमने जस्ट 8 का एग्जांपल लिया था, आप उसी को देखें एक बार। जैसे 8 है, अभी तक हम जो फैक्टर कर रहे थे हम क्या लिखते थे, 1, 2, 4, 8, है ना। तो हमने ये कहा कि प्राइम फैक्टर में हम किसको इंक्लूड नहीं कर रहे, एक तो वन क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, और दूसरा क्या होगा, वो नंबर जो खुद है क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि बात किसकी चल रही, कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर है तो वो प्राइम कैसे हो सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वन और जो नंबर जो भी हमें गिवन होगा, क्योंकि वन तो हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता ही है, और वो जो खुद नंबर है सेल्फ वो भी उसका फैक्टर है, तो हम इन दोनों को ही क्या करेंगे, उस ग्रुप से बाहर रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हालांकि जो भी नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, वो भी इसके फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो कह ही सकते हैं कि वन एंड द नंबर इटसेल्फ विल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहां आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे पहले आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, और आप जानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 9909। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसे हम चाहें तो फैक्टर ट्री के फॉर्म में भी हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो कि सबसे पहले जो फैक्टर हम बनाना चाहें वो क्या हो सकते हैं, एक फैक्टर हो सकता है इसका 9 एंड 1111। ओके, ये इसके फैक्टर हैं, यानी इस नंबर को हम 9 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर को आप देखें, ये 9 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, और कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1111 टाइम। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट फैक्टर्स हैं वो कौन से हो गए, 9 एंड दिस नंबर। ओके, इसको हम एरो से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो ये इसके फैक्टर हो गए, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, and you know very well 9 is not a prime number, 9 prime नहीं है, it can be divided further, इसको हम आगे और divide कर सकते हैं, इसके factor हम और निकाल सकते हैं। इसके factor क्या हो सकते हैं, 3 into 3। okay, ये इसके factor हो गए। अब यहां पर जो 3 into 3 है, आपको पता है कि ये प्राइम नंबर है 3, इसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते,
इसी तरह से हम देखें जो 1111 है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से होगा, यानी इसका एक फैक्टर तो क्या हो गया, 11। तो जब आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर आपको जो मिलेगा, जो क्वोशेंट होगा, वो क्या होगा, 101। अब यहां पर जो 101 है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। 11 ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहां पर आप देखें कि हमने इसको भी प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहां पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, इसे हम लिख सकते हैं 9999 इक्वल टू 3 × 3 × 11 × 101। ओके, ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर जो भी इसके फैक्टर्स हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइम नंबर हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। तो उसको हम लिख देते हैं 5 digit number। और smallest 5 digit number क्या होगा, ये होगा 10,000। ओके, अब इस 10,000 के हमें क्या निकालने हैं, इसके हमें निकालने हैं एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो हमने भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व किया था, उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों, आप इसको सॉल्व करने के कोई भी मेथड आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि जो 10,000 है, इसके अगर हम फैक्टर निकालना चाहें, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि 100 × 100। ठीक है, 100 और 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10,000 मिल जाएगा। आप चाहें तो 10 एंड 1,000 भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या आपको इजी गोइंग लगता है। मुझे लगता है कि हमें इसे 100 × 100 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, इसको भी हम सर्कल के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। तो यहां पर हमें ये 2 फैक्टर्स मिल गए इसके 10,000 के। ओके, लेकिन ये जो नंबर हमारे पास है, ये अभी भी प्राइम नंबर नहीं है। 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसको हम आगे फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं इसके फैक्टर्स के फॉर्म में, है ना। वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं 10 × 10। 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 100। सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा, 10 × 10। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन 10 भी यहां पर प्राइम नंबर नहीं है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। ओके, 2 × 5, ऐसे ही ये 2 × 5 और सिमिलरली हम जो एक और 10 है, इसका नेक्स्ट फैक्टर, इसको भी हम 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से हम जो 10 है, इनके भी फैक्टर्स कर सकते हैं 2 × 5 की फॉर्म में, हम इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और इस 10 के भी फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5 के फॉर्म में।
So students, here we have find all prime factors of 10,000. ये सभी 10,000 के प्राइम फैक्टर्स हैं और हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेन थाउजेंड इक्वल टू, अब यहां पर जो सेम फैक्टर है यानी कि ये जो टू है, टू वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स से टू, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और फाइव भी कितने हैं, फोर है, वन टू थ्री एंड फोर टाइम्स है फाइव भी, इसको भी हम फोर टाइम्स फाइव को लिख देंगे। तो यहां पर ये 10,000 के क्या मिल गए हमें, प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालना बहुत इजी है, हमें उनके फैक्टर तब तक करते जाना है तब तक कि हमें फाइनली जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर ना मिल जाए, है ना। जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 12, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांश।